नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए, आज हम 1 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक के पूरे करंट अफेयर वन लाइनर में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, आपको जितने भी एग्जाम आपके आने वाले टाइम पे 2-4 महीने में पढ़ रहे हैं, उसके लिए दिसंबर का करंट अफेयर काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि एग्जाम जो पैटर्न नए नए बन रहे हैं, इसमें क्या हुआ, 1 महीने पीछे से ही पूछ लिए जा रहे हैं क्वेश्चन। अर्थात अभी आप देखेंगे, 6 जनवरी को शिक्षक भर्ती की परीक्षा संपन्न हुई है यूपी में। तो उसमें क्या हुआ है कि उसमें जो आपके दिसंबर के लगभग 15 दिसंबर के आसपास तक के क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। अब इसका मतलब है कि 20 दिसंबर के आसपास पेपर बना हुआ था आपसे, इसमें पूछ लिया गया था कि सुनील अरोड़ा जी आपके जो नया चुनाव आयुक्त तो बने हुए हैं, उनसे पूछ लिया गया था क्वेश्चन। और आपका इसमें से ट्रेन 18 जो आपका इंजन रहित आपकी ट्रेन जो अब चलाई गई है, उससे भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो इतनी उम्मीद नहीं होती लोगों को कि 1-2 महीने के पीछे का पूछेगा कि नहीं पूछेगा। इसलिए अब देखिए, आपको को सब कुछ पढ़ के जाना है, लास्ट महीने तक का पढ़ के जाना है, क्योंकि पेपर बहुत बाद में बनने चालू हो गए हैं। तो चलिए, हम इसमें देखिए राजकीय खबरें भी पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय भी पढ़ेंगे और राष्ट्रीय खबरें सभी पढ़ेंगे, वन लाइनर में पढ़ेंगे, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। आपको क्या करना है, इसको सुनना है सिर्फ आपको, और ये पूरा आपका करंट अफेयर तैयार हो जाएगा पूरे दिसंबर का। तो आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, और इसमें हम सब कुछ लेकर चलेंगे, 1-1.5 से लेकर के आपको 31 दिसंबर तक का पूरा करंट अफेयर कवर कराएंगे। तो बहुत से मित्र भी मेरे चैनल के माध्यम से नहीं जुड़े हुए हैं, जिनको जानकारियां नहीं मिल पाती हैं, तो क्या करिए, वीडियो चल रहा होगा उसके नीचे आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन लगा हुआ है, इसको आप लोग दबा दीजिए तो ये काला हो जाएगा, और पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। जितना भी हम करंट अफेयर कोई भी प्रैक्टिस सेट हल कराते हैं, तो आपको करंट अफेयर यहाँ से मिलता रहेगा। तो ये सब्सक्राइब का बटन आप लोग दबा दीजिए, और यहाँ से आपको पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चलिए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। हम 1 दिसंबर से चालू कर रहे हैं। देखिए, 1 दिसंबर 2018 को घोषणा की गई कि आपका गणतंत्र दिवस 2019 में जो मुख्य अतिथि होंगे, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति होंगे सिरिल रामाफोसा होंगे। देखिए, अभी आपको लोग को मालूम होगा, जो इसके पहले 2018 में आसियान के 10 देशों के राष्ट्राध्यक्ष बुलाए गए थे, अब क्या हुआ है कि दक्षिण अफ्रीका के आपके राष्ट्रपति आएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग इसमें से भी इंपॉर्टेंट का इंपॉर्टेंट छाटेंगे। पहले बात तो सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, हम लोग को नहीं मालूम कि आपको भी नहीं मालूम होता कौन सा क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हमको सब मालूम हो तो हम लोग सिर्फ उसी चीज़ को रट के जाएँ, लेकिन हमको सब कुछ पढ़ना पड़ता है। तो देखिए, ये आपके हैं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। दूसरे नंबर आगे बात करते हैं, देखिए 1 दिसंबर घटना आई है आपका, 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अब देखिए, थीम भी बहुत पूछने लगा है, पहले तो दिवस पूछता था, अब थीम पूछने लगा है। तो इस वर्ष का विषय है अपनी स्थिति को जानना है, और अभी आपका जो शिक्षक भर्ती 2019 में 6 जनवरी का पेपर हुआ था, उसमें पूछा हुआ था पर्यावरण आपका दिवस जो हुआ था 5 जून को, उसकी थीम क्या थी, तो उसकी थीम थी आपकी प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने की थीम थी। तो ये सब कुछ आपको थीम भी याद करनी पड़ेगी। अब 1 दिसंबर 2018 को किस भारतीय निशानेबाज को निशानेबाजी के लिए सर्वोच्च सम्मान दी ब्लू क्रॉस से सम्मानित किया गया है, तो आपके अभिनव बिंद्रा हैं। आपके इसमें अभिनव बिंद्रा आप सभी को मालूम है, निशानेबाज हैं, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता हुआ है ओलंपिक में। 1 दिसंबर 2018 की बात करते हैं, इसमें 13वां G20 शिखर सम्मेलन संपन्न हो चुका है, इसमें भारत भी प्रतिभाग लेता है। इसमें आपको 2022 की जो मेज़बानी है G20 शिखर सम्मेलन की, वो भारत को प्राप्त हुई है, बड़ी बात है, और ये अभी नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में प्राप्त हो गई है इसको। 1 दिसंबर 2018 को एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है, एक आपका काठमांडू नेपाल पे संपन्न हुआ है। आपको धीरे धीरे बस सुनते जाना है, एक बार अगर आप सुन लेते हैं, दोबारा इसको देखते हैं, तो फिर आपके लिए कंठस्थ हो जाएगा आप लोग के लिए। 1 दिसंबर 2018 को रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में कितने करोड़ रुपए के बराबर आपका रक्षा खरीद सेवाओं को मंजूरी मिली है, तो 3000 करोड़ रुपए हैं। 1 दिसंबर 2018 को 12वें एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया है नंदिता दास और नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। ये देखिए, एक्टर लोगों को मिलता है एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड है, तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। 2 दिसंबर 2018 को पहला T10, आपने T20 का नाम सुना होगा, यहाँ पर देखिए T10 लीग का खिताब किसने जीता है, तो नॉर्दर्स वॉरियर्स ने पख्तून 11 को हरा कर जीता है। देखिए, इसको धीरे धीरे क्या है, आपको खेल को आपको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ले जा रहे हैं, आपको क्रिकेट को, तो क्रिकेट का फॉर्मेट थोड़ा छोटा करने का प्रयास किया जा रहा है, अर्थात आपका जो 2020 से भी छोटा करेंगे, तो लगभग 1-1.5 घंटे 2 घंटे में अगर खेल समाप्त हो जाता है तो लोग बोर नहीं होंगे, जैसे ओलंपिक का गेम होता है तो छोटे छोटे गेम रखे थे, अब टेस्ट मैच या वनडे मैच 7-7 घंटे के, इसलिए इसको धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, T10 लीग बना रहे हैं, T20 बना रहे हैं। अभी बात हुई थी कि 100 ओवर का मैच हो, तो इस प्रकार से आपको इसको भी प्रयास किया जा रहा है कि और भी छोटा फॉर्मेट किया जाए। देखिए, 2 दिसंबर 2018 को भारत में ड्रोन उड़ाने के लिए पंजीकरण है, तो किस पोर्टल का आपका आरंभ हुआ है, तो डिजिटल स्काई पोर्टल का आरंभ हुआ है।
2 दिसंबर 2018 को विश्व बैंक ने जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए कितने बिलियन डॉलर के निवेश की घोषणा की है? तो 200 बिलियन डॉलर के निवेश की घोषणा की है। ये आपको बस सुनते जाना है। अगर आप दूसरी बार सुनेंगे तो मुझे लगता है आपको इसमें से 60-70% क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। 3 दिसंबर 2018 को भारतीय और अमेरिकी वायुसेना के बीच कोप इंडिया 2018 हवाई युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? पश्चिम बंगाल में हुआ है। तो कोप इंडिया 2018 हवाई युद्ध अभ्यास पश्चिम बंगाल में है। 3 दिसंबर 2018 को एस बैंक ने किसको अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो TS विजयन को किया है। 3 दिसंबर 2018 को वर्ष 2018 का पुरुष वर्ग का बैलन डी की ओर से पुरस्कार जो दिया गया है लूका मॉड्रिट को दिया गया, क्रोशिया के हैं, आपको सभी को मालूम है फ्रांस ने क्रोशिया को हराकर अभी फीफा वर्ल्ड कप जीता हुआ है। तो यहाँ पर से ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लूका मॉड्रिट वहाँ से निकल कर आए हैं और इनको पुरस्कार दिया गया है बैलन डी का। 3 दिसंबर 2018 को देश का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय नारायण सिंह है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, देश का नया वित्त सचिव कौन है? अजय नारायण सिंह है। 3 दिसंबर 2018 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है ये। तो 3 दिसंबर 2018 को महिला वर्ग का जो आपका है बैलन डी पुरस्कार जो किसको मिला है? अदा हेगर बर्ग को मिला है, ये नॉर्वे की है। आप सभी को मालूम है पुरुष वर्ग का हमने बताया लूका मॉड्रिट को मिला है और अदा हेगर बर्ग को मिला है महिला का बैलन डी पुरस्कार है, ये फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है ये। 3 दिसंबर 2018 को किस देश ने ओपक की सदस्यता से हटने की घोषणा की? ये कतर है, कतर की राजधानी क्या है आपकी? दोहा है कतर की राजधानी। तो इसने क्या है ओपेक जो आपका पेट्रोलियम वाली संस्था होती है ओपेक से हटा दिया गया है। तो बहुत से लोगों विरोध किए थे तो कतर को इससे बाहर निकाल दिया गया, उसने सदस्यता अपनी घोषणा कर दी कि हम ओपेक में नहीं रहेंगे। 3 दिसंबर 2018 को केंद्र सरकार ने उड़ीसा कौशल विकास परियोजना हेतु ADB के साथ कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो 85 बिलियन डॉलर है। तो यहाँ तक आपके देखिए अभी तक हम सभी क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा आप लोग। देखिए 4 दिसंबर की बात करते हैं, 4 दिसंबर 2018 को विश्व की प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स की जारी विश्व की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया। इसमें है रोशनी नडार महलोत्रा हैं, किरण मजूमदार हैं, शोभना भारतीय हैं और प्रियंका चोपड़ा हैं। तो ये प्रियंका चोपड़ा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये ऑप्शन हो सकता है। और प्रथम स्थान लगातार से जर्मनी की चांसलर आपको एंजेला मार्कल, तो आपको पता ही होगा। 4 दिसंबर का और एक न्यूज है, देखिए यहाँ पर मुद्रा अदली बदली की व्यवस्था समेत 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं भारत और UAE ने, भारत और UAE ने किए हैं। 4 दिसंबर 2018 को फोर्ब्स द्वारा जारी इंडिया के सर्वाधिक कमाई करने वालों 100 सितारों में सूची में प्रथम स्थान आपके जो पाए हैं सलमान खान पाए हुए हैं। 4 दिसंबर 2018 को अगस्ता वेस्टलैंड के मुख्य आरोपी को दुबई से भारत लाया गया, क्रिश्चियन मिशेल नाम है उनका। 4 दिसंबर 2018 को किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी आपके फार्मेटों से संन्यास ले रही है? आपके गौतम गंभीर है, इस समय काफ़ी क्रिकेटर ने लिया है, कैफ ने भी लिया हुआ है और गौतम गंभीर ने के ले लिया। 5 दिसंबर को इसरो ने भारत के सबसे वजनी किस सैटेलाइट का फ्रेंच युआना से सफल परीक्षण किया है? तो GSAT-11 है। 5 दिसंबर 2018 को साहित्य अकेडमी द्वारा वर्ष 2018 के विजेताओं की घोषणा की गई है, तो आपके कौन है? देखिए हिंदी के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है चित्रा मुग्दल को दिया गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साहित्य अकादमी पुरस्कार है, इसलिए आप इसको लोग आप इसको रट लीजिएगा। उपन्यास है पोस्ट ऑफिस नंबर 203 नाला सोपारा, ये एक पुस्तक, ये आपको उपन्यास भी इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये 5 दिसंबर का। ये चित्रा मुग्दल है, उपन्यास है पोस्ट बॉक्स 203 नाला सोपारा, ये मुंबई के मुझे लग रहा है नाला सोपारा है ये। 5 दिसंबर 2018 को विश्व भर में विश्व मृदा दिवस मनाया गया है, इसकी थीम थी मृदा प्रदूषण को रोको, थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिवस तो अब ज़्यादातर पूछते बहुत कम हो गया लेकिन पूछते भी हैं तो अब काफ़ी इंपॉर्टेंट जो आपने नहीं पढ़े होंगे उसको पूछ लेते हैं, अब 2 अक्टूबर आपको जल्दी मिलता नहीं होगा। 5 दिसंबर 2018 को किस राज्य के कंधमाल हल्दी को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया? तो उड़ीसा को है आपको। 5 दिसंबर 2018 को भारतीय स्टेट बैंक ने अपने डिजिटल ऐप योनो के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो स्वप्ना वर्मन को चुना हुआ है। 6 दिसंबर 2018 को प्रमुख निवेश बैंक एक्सेस कैपिटल के CEO आपके कौन है? इस्तीफा दे दिया है धर्मेश मेहता ने, आपको इस्तीफा दे दिया इससे।
इसके बाद बात करते हैं 6 दिसंबर 2018 को एक स्वतंत्र विकास संगठन जर्मन वाच द्वारा जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2018 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है, तो 14वें स्थान पर रखा गया है। अब देखिए इसको याद कर लीजिए कि सूचकांक काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। 6 दिसंबर 2018 को फिच रेटिंग्स ने भारत के वर्तमान वित्त वर्ष 2018-19 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पादन के अनुमानता 7.8% से घटाकर कितना कर दिया, 7.2 कर दिया है। ये नोटबंदी और GST कर कम हो गया इसलिए घटाया गया है आपका। कहीं भी आपको आता है 2018 में तो 7.2% मारिएगा। 7 दिसंबर 2018 को केंद्र सरकार ने किसको नया मुख्य आर्थिक सलाहकार चुना है, तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को भी चुना है। ये बढ़िया क्वेश्चन, आप लोग इसको याद करिएगा। 7 दिसंबर 2018 को किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना है, तो ये आपका दिल्ली सरकार की है, ये भी इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए। 7 दिसंबर 2018 को खाद्य एवं कृषि संगठन परिषद ने वर्ष 2023 को किस वर्ष के रूप में मनाने के लिए प्रस्ताव आपको मंजूरी दिया, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष है। तो हर वर्ष देखिए होता है, तो इसमें क्या है, इन्होंने आपको प्रस्ताव भेज दिया है खाद्य संगठन ने कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाया जाए। आपको सभी को मालूम है 7 दिसंबर क्या होता है, सशक्त नौसेना झंडा दिवस होता है, ये दिवस बढ़िया है आप लोग के लिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अपने। देखिए नए आपके जो हैं आपके मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स सभी बन चुके हैं। 8 दिसंबर 2018 को चीन के सान्या शहर में आयोजित मिस वर्ल्ड 2018 का खिताब किसने जीता है, मैक्सिको की वेनिसा पोंस डी लियोन ने जीता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, आपसे वेनिसा पोंस डी लियोन मैक्सिको की हैं। 9 दिसंबर 2018 को भारत रूस के बीच संयुक्त नौसेना अभ्यास इंद्र नेवी कहाँ आयोजित हुआ है, विशाखापत्तनम में हुआ है। 9 दिसंबर 2018 को फ्लिपकार्ट के स्वामित्व वाली मिंत्रा के CEO पद से इस्तीफा दिया है अनंत नारायण ने दिया है। इसके बाद बात करते हैं 10 दिसंबर 2018 को घोषणा की गई है कि विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल कहाँ बनेगा, मणिपुर में बनेगा, जिसकी ऊंचाई होगी 141 मीटर। 10 दिसंबर 2018 को अरुणाचल प्रदेश राज्य के 23वें जिले के रूप में किसे औपचारिक रूप से घोषणा की गई है, सियोमी बन रहा है आपका अरुणाचल प्रदेश का 23वां जिला। 10 दिसंबर 2018 को भारत और रूस की वायुसेनाओं के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभ्यास एवियांद्रिंद्र 2018 का आयोजन कहाँ हुआ है, जोधपुर में हुआ है। 10 दिसंबर 2018 को सतत जल प्रबंधन का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, मोहाली पंजाब में किया गया है। 10 दिसंबर 2018 को किस प्रसिद्ध शिक्षाविद इतिहासकार एवं जामिया मालिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति का निधन हो गया है, तो आपके थे मुसीरुल हसन थे आपके ये। किस RBI गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया, आप सभी को मालूम है उर्जित पटेल ने इस्तीफा दे दिया है। आपके बने कौन से हैं, 25वें आपके जो आपके RBI के गवर्नर हैं शक्तिदास कांत बने हुए हैं। किस कोर्ट ने विजय माल्या को प्रत्यार्पण की मंजूरी दे दी है, लंदन की वेस्ट मिस्टर मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने अब प्रत्यार्पण कर दिया है। 10 दिसंबर 2018 को विश्व भर के किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो भारत के विश्व मानव अधिकार दिवस, आप सभी लोगों को मालूम है ये। 10 दिसंबर 2018 को जो आपके भारत के किस अंतर महाद्वीपीय बैमरास्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, तो Agni-5 का किया गया है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का अध्यक्ष प्रबंधक किसे नियुक्त किया गया था, अतुल सहाय को किया गया है आपका। 10 दिसंबर 2018 को भारत और चीन की सेनाओं के मध्य हैंड इन हैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू किया गया, तो चीन के चेंगदू में किया गया है, इसको आप लोग याद कर लीजिए अगर याद हो सके तो। 11 दिसंबर को मालूम है आप सभी को तमिलनाडु सरकार ने महिला सुरक्षा हेतु जारी किया हेल्पलाइन 181 जारी किया गया है आपको। केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB ने तमिलनाडु में रोजगार सृजन हेतु कितने ऋण लिया, समझौता लिया 31 मिलियन डॉलर का लिया है आपको। ये देखिए आपका 11 दिसंबर 2018 को रिजर्व बैंक के RBI के 25वें गवर्नर के रूप में क्या है, शक्तिकांत दास थे वो। नंबर जरूर याद रखिएगा आप लोग, 25वें नंबर के हैं ये। 11 दिसंबर को आपकी घोषणा हुई खेलो इंडिया यूथ खेल 2019 कहाँ आयोजित किए जाएंगे, पुणे में किया जाएंगे। खेलो इंडिया यूथ खेल 2019 पुणे में, याद रखिएगा आप लोग।
12 दिसंबर 2018 को मणिपुर सरकार ने किसे मिथोइलीमा उत्कृष्ट रानी जो कहते हैं मणिपुर की भाषा में इसको कहा गया होगा शीर्षक के सम्मानित किया है। तो मैरी कॉम मणिपुर की हैं या और मीराबाई चानू भी मणिपुर की हैं। 12 दिसंबर 2018 को जारी आपकी जलवायु परिवर्तन सूचकांक में जो आपका भारत के स्थान है, तो भारत आपका स्थान है 11वें स्थान पर है। पहला स्थान आपका किसका है, स्वीडन का है, और भारत का क्या है, 11वें स्थान है। इसके बाद बात करते हैं अपने 12वें में, 12 दिसंबर 2018 को अभयारण्य वन्य जीव सेवा पुरस्कार 2018 किसको सम्मानित किया गया है, इमरान सिद्दीकी को किया गया है। रामनाथ कोविंद ने किस मंत्री को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा स्वीकार कर लिया, मानव संसाधन राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा का जी का इनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। ये किसी मैटर में फंस चुके हैं, आप सभी को मालूम होगा। 13 दिसंबर 2018 को प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम मैगजीन ने सऊदी अरब के किस पत्रकार को सम्मान देने के लिए वर्ष 2018 में टाइम्स पर्सन ऑफ ईयर का आपका चुना है, जमाल खगोशी को चुना गया है। 13 दिसंबर 2018 को तेलंगाना राज्य के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है के चंद्रशेखर राव, ये पहले भी थे, अब आपका फिर से जीत गए हैं, तो के चंद्रशेखर राव फिर से आपके तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री बन गए हैं, क्योंकि अभी आपको मालूम है 2 जून 2014 को तेलंगाना बना था, उसके बाद चंद्रशेखर राव की सरकार पहली थी, अब दूसरी बार फिर से ये आपके मुख्यमंत्री बन रहे हैं। 14 दिसंबर 2018 को पोलैंड में आयोजित आपके जलवायु सम्मेलन के दौरान भारत के किस एनजीओ को यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2018 सम्मानित किया गया, हेल्प अस ग्रीन, ये आपका है। देखिए 14 दिसंबर 2018 को किस भारतीय नागरिक को संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष चुना गया, तो राजीव महर्षि को है चुना गया है। विश्व मृदा पुरस्कार 2018 सम्मानित किया गया प्रोफेसर रत्नलाल को किया गया है, और 15 दिसंबर ही आपका है इसमें डेट। सुप्रीम कोर्ट के कितने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य के 10 किलोमीटर के दायरे पे इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का आदेश है, 21 हो चुका है, 21 राष्ट्रीय उद्यानों में 10 किलोमीटर तक इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है। ब्रेक थ्रू टेबल टेनिस स्टार पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला है मनिका बत्रा, ये लगातार आपको सभी को मालूम है, ये जो आपके हैं आपके टेबल टेनिस में मनिका बत्रा ने अभी ओलंपिक में भी अच्छा राष्ट्रमंडल में अच्छा किया, तो उसके बाद से लगातार अच्छा कर रही हैं, तो ये पुरस्कार उनको मिला है। 15 दिसंबर 2018 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान FTII का अध्यक्ष चुना है, विजेंद्र पाल सिंह को चुना है आपका। मिजोरम के नई राष्ट्र मुख्यमंत्री का भी शपथ ग्रहण हुआ है, जोर मंथना है मंथगा है, ये अभी आपको चुनाव हुआ है, 5 राज्यों में मुख्यमंत्री को चुनाव हो चुका है, तो आप लोग इसको नाम धीरे धीरे याद कर लीजिए, उनकी सीटों की संख्या भी याद कर लीजिए। इसके बाद बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस आपका जो है COP24 जो है कहाँ संपन्न हुआ है, पोलैंड के कोटा वाइस में हुआ, ये आपका शिक्षक भर्ती 6 जनवरी का परीक्षा पेपर कल मैंने आपको सॉल्व कराया वहाँ आपको मिल जाएगा, इसमें आप देखिएगा। अब देखिए 15 दिसंबर का पूछ लिया गया है, 15 दिसंबर 6 तारीख को 6 जनवरी को पेपर है, 15 दिसंबर का उसमें करंट अफेयर पूछा गया था, ये क्वेश्चन देखिए आया पोलैंड के कोटा वाइस में किया गया है। देखिए बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन अब पूछने लगे हैं और बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन पूछने लगे हैं, तो बिल्कुल से आप लोग तैयार हो जाइए किसी भी एग्जाम देने जा रहे हैं। तो 15 दिसंबर आपको 2018 में देश का पहला विश्व का तीसरा रेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है, बड़ोदरा में हुआ है आपका, विश्व का तीसरा रेल विश्वविद्यालय है और भारत का पहला है, याद रखिएगा भारत का पहला विश्व का तीसरा। 15 दिसंबर 2018 को मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018 किसे चुना गया, भारतीय मूल की अमेरिका की श्री सैनी को मिला है, तो श्री सैनी को ये पुरस्कार मिला है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड। 15 दिसंबर 2018 को 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला निर्णय लिया गया है, तो अंग्रेजी के मशहूर साहित्यकार अमिताभ घोष को मिला हुआ है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, अंग्रेजी के मशहूर साहित्यकार अमिताभ घोष को मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018, लेटेस्ट क्वेश्चन है 15 दिसंबर का ये। 16 दिसंबर 2018 को भारतीय और रूसी नौसेना के बीच आयोजित वार्षिक समुद्री अभ्यास इंदिरा नेवी 10वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ, विशाखापत्तनम, ये एक बार फिर से आ चुका। श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद की शपथ जो फिर से ले ली है रानिल विक्रमसिंघे है, ये लगातार देखे बदलते रहते हैं, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, रानिल विक्रमसिंघे फिर से हो गए हैं।
2018 की हॉकी विश्व कप 2018 का पहली बार खिताब किसने जीता? बेल्जियम ने नीदरलैंड को हरा के जीता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है एग्जाम में। हॉकी विश्व कप 2018 पहली बार बेल्जियम ने नीदरलैंड को हरा कर जीता है। 16 दिसंबर को देखिए क्या है कि नेपाल सरकार ने नोटबंदी कर दी है, नोट बैन कर दिए हैं। 200, 500, 2000 के नोट जो हैं आपके भारतीय नोट बैन कर दिए हैं नेपाल सरकार ने, नोटबंदी भी कर दी है अपने देश में। ग्वांगचू चीन में संपन्न आपका जो होता है फाइनल टूर्नामेंट BWF वर्ल्ड टूर जो होता है, इसमें क्या खिताब जीता है? PV सिंधु ने इसको जीता हुआ है। सर डॉन ब्रेडमैन के बाद सबसे तेज 25 टेस्ट में शतक बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली हैं। इस समय डॉन ब्रेडमैन की बराबरी तो नहीं कर पाएंगे लेकिन उनके पीछे लगे हुए हैं, याद रखिएगा आप लोग। बिहार के किस व्यंजन को GI टैग भौगोलिक संकेत मतलब प्रदान किया गया है? तो सिलाव खाजा को। 16 दिसंबर 2018 को अडानी समूह तथा इजराइल की कंपनी एल्बिट सिस्टम द्वारा संयुक्त रूप से भारत की पहली निजी मानव रहित विमान निर्माण फैक्ट्री कहाँ आरंभ की गई है? हैदराबाद में की गई है। अब देखिए यहाँ पर आ गया, मध्य प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री के तौर में शपथ किसने ग्रहण की है? कमलनाथ ने की है, और ये आपके शिवराज सिंह चौहान को हरा करके बने हैं मुख्यमंत्री। 5 राज्यों के मुख्यमंत्री आपको याद होने चाहिए जो अभी नए नए बने हैं। भारत और मालदीव के बीच विभिन्न क्षेत्रों में कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 4। ये नंबर ही पूछ ले रहा है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में अगर रूस से भी आता है तो 6 पूछ लेता है। इस प्रकार से आपने देखो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। 17 दिसंबर 2018 को मिस यूनिवर्स खिताब किसने जीता है? फिलीपींस की हैं, फिलीपींस की कैटरियोना एलिसा ग्रे हैं, तो कैटरीना के नाम से इसको आप याद कर सकते हैं। मेरी मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड सब कुछ खिताब मिल चुका है। श्री सैनी को मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब मिला हुआ है। 17 दिसंबर 2018 को लोकसभा में ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकार विधेयक 2016 को पारित कर दिया गया। इस विधेयक का मूल उद्देश्य है ट्रांसजेंडर समुदाय को एक अलग पहचान प्राप्त कर उनका सशक्तिकरण करना। ये बढ़िया बात है, इससे पहचान में रहेंगे। कौन कोई कोई क्या कहता है, ट्रांसजेंडर बन के घूमता रहता है, इससे पहचान पत्र में उनको एक अलग पहचान मिलेगी। 17 दिसंबर 2018 को केंद्रीय मंत्री बंडल ने किन दो स्थानों में नए एम्स की स्थापना की है? तमिलनाडु के मदुरई में है और आपके तेलंगाना के बीबी नगर में है। ये एम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, मदुरई और बीबी नगर हैं आपके। 17 दिसंबर 2018 को भारतीय वायुसेना ने चंडीगढ़ में किस विमान मिश्रण बायोजेट ईंधन का प्रयोग करके भारत की पहली सैन्य उड़ान की है? N-32 परिवहन विमान है आपका। 17 दिसंबर 2018 को किस प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक का निधन हो गया है? पंडित अरुण भादुड़ी का हो गया है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिएगा। फिक्की के नए अध्यक्ष बन चुके हैं संदीप सोमानी बन चुके हैं, और राजस्थान के अशोक गहलोत आपके आप सबको मालूम है अशोक गहलोत बने हैं। इसमें सचिन पायलट और अशोक गहलोत को बनाया जाने की थी कि इसमें कौन बनाया जाएगा, तो अशोक गहलोत को बनाया गया है। 17 दिसंबर 2018 को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का निदेशक जो चुना गया है रामफल पवार को चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव को कितने बिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? 1.4 बिलियन डॉलर है आपके। 17 दिसंबर 2018 को छत्तीसगढ़ के आपके हैं भूपेश बघेल हैं, ये आपको बता चुका मैं, आपको पांचों राज्यों के बता चुका हूं आपको, इसको आप लोग याद कर लीजिए भूपेश बघेल हैं। 18 दिसंबर 2018 को वर्ष 2019 के नोबल शांति पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो मैसिडोनिया के प्रधानमंत्री जोराव जायेन और ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्स सिपियास हैं आपको। अब किस अभिनेत्री को पेटा पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये सोनम कपूर हैं, पेटा पर्सन ऑफ द ईयर आपका चुना गया है, तो सोनम कपूर को याद कर लीजिएगा। पिछले बार भी हमें लगता है शायद अनुष्का शर्मा को ये मिला हुआ था, आप लोग कंफर्म करके बताइएगा, तो अब की बार सोनम कपूर को मिल चुका है। तो देखिए 18 दिसंबर 2018 को विश्व में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया गया। इस मुख्य विषय था गरिमा के साथ प्रवासन। अभी आपको मालूम है प्रवासी दिवस होता है 9 जनवरी, आज वीडियो 9 जनवरी को आपको बन रहा है, आज प्रवासी दिवस है, ये भारतीय प्रवासी दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस होता है 9 का बिल्कुल जस्ट अपोजिट कर दीजिए, 18 दिसंबर, और जनवरी की जगह पे दिसंबर लगा दीजिए, इस प्रकार से आपको याद हो सकता है पहला महीना और लास्ट महीना हो गया। 18 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिष्ठित मानवाधिकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो पाकिस्तान के प्रख्यात कार्यकर्ता आसमा जहीर
को मरणोपरांत प्राप्त किया गया है। तुलसी गिरी का निधन हो गया है 18 दिसंबर को। वो किस देश के प्रधानमंत्री थे? नेपाल के थे। वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की का नया उपाध्यक्ष उदय शंकर को चुना गया है। चार्ल्स मिशेल ने किस देश के राष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दे दिया? बेल्जियम। बेल्जियम के आपके प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। पूर्व मनमोहन सिंह द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन दिल्ली में किया गया? इसको बिल्कुल से आप लोग याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपका मनमोहन सिंह की पुस्तक है चेंजिंग इंडिया। इसके पहले संजय वारू ने लिखी थी दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ये पूछी जा चुकी शिक्षक भर्ती 2019 में, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री के जो आपके मनमोहन सिंह के हैं, नरेंद्र मोदी की एग्जाम वॉरियर्स है, ये सब अभी एना वर्ष आई हुई थी। एना वर्ष आपका मान बुकर पुरस्कार उनको मिला है, एना वर्ष को मिल्कमैन के लिए मिला। तो ये सब किताबें आप लोग बिल्कुल से इंपॉर्टेंट किताबें, इनको तो कम से कम याद ही कर लीजिए। जो आपने नाम सुने हो, शशि थरूर की हो, इस प्रकार की किताबें आप जरूर याद करिए। 18 दिसंबर 2018 को इब्राहिम सोली भारत के 3 दिवसीय यात्रा पर भारत आए थे। किस देश के राष्ट्रपति हैं? मालदीव के हैं। तो मालदीव के राष्ट्रपति कौन है आपके? तो इब्राहिम सोली हैं। 18 दिसंबर 2018 को भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ खोला गया? हरियाणा के झज्जर में खोला गया है। 18 दिसंबर 2018 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2018 जारी की गई है। इसमें भारत को 108वां स्थान मिला है। मतलब पुरुष और महिला के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, मतलब कि पक्षपात होता है, इसे कहते हैं जेंडर गैप। तो 108वां स्थान मिला है, इसका मतलब भारत में काफ़ी ज़्यादा माना जाता है ये सब चीज़ें। 19 दिसंबर 2019 को भारत में माहवारी से जुड़ी समस्या से जूझ रही एक महिला के जीवन पर आधारित फिल्म डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट श्रेणी में 91 ऑस्कर पुरस्कार है तो शॉर्ट लिस्ट किया गया है। पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस है आपका ये, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार। किस राज्य में 6 महीने के राज्यपाल शासन पूरा होने के पश्चात राष्ट्रपति शासन लागू हो गया? तो जम्मू कश्मीर के। अब जम्मू कश्मीर का चुनाव लगभग लोकसभा के चुनाव के साथ ही होने की संभावना है। 19 दिसंबर 2018 को किसने कबड्डी से संन्यास लेने की घोषणा की? पूर्व कप्तान आपके अनूप कुमार ने कबड्डी संन्यास ले लिया है। इसरो ने किस भू स्थैतिक संचार उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो G-SAT-7A है आपका। 19 दिसंबर 2018 को आपका राजस्थान सरकार ने किसान कर्ज माफ की घोषणा की है। ये है 18,000 करोड़ रुपए का किसान कर्ज जो है माफ कर दिया गया है। इन्होंने ऐलान किया था जब हमारी सरकार बनेगी तो हम कर्ज माफ करेंगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? WV रमन को नियुक्त किया, भारतीय महिला क्रिकेट टीम WV रमन। किस जहाज को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो ELCUL-55 अगर याद हो जाए तो याद कर लीजिएगा इसको। राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2018 में सर्वप्रथम राज्य किसे घोषित किया गया? तो गुजरात किया है, स्टार्टअप में नंबर वन राज्य है। 21वें सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन का खिताब किसने जीता है? अमित धनखड़ ने जीता है इसको। और देखिए यहाँ पर है 20 दिसंबर 2018 को महाराष्ट्र सरकार ने किस नदी पर तेंभू तिलपट सिंचाई योजना का प्रारंभ किया है? तो ये कृष्णा नदी पर किया गया महाराष्ट्र सरकार ने। तो यहाँ तक हमारे देखिए 20 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, अब हमारे 10 दिन के क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं अपने 20 दिसंबर 2018 को। विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भरोसेमंद बिजली आपूर्ति में भारत किस स्थान पर है? 80वें स्थान पर प्राप्त हुआ है। और 2018 नीति आयोग की जारी सतत विकास लक्ष्य में भारत इंडिया का इंडेक्स 2018 का स्कोर क्या है? 57 नंबर है। किस लेखक का कैंसर के कारण पुदुचेरी में निधन हो गया है? प्रबंधन है आपके लेखक ही हैं। और 2018 के वस्तु एवं सेवा कर GST काउंसिल में जो आपके कितनी वस्तुओं को फिर से लाया गया? 23 वस्तुओं को GST काउंसिल के अंदर राहत देते हुए इतनी GST दरों को कमी करने की घोषणा हुई। मतलब 23 वस्तुओं से जो आपके 18% की स्लैब दर थी उसको घटा करके 12 के प्रयास किया जा रहा है, यही प्रयास किया जा रहा है। तो आपका 12 तक की स्लैब रहे, 18 में कुछ वस्तुएं रहें। आपका ड्राइवर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? लुइस हैमिल्टन को मिला हुआ है। आप सभी को मालूम है ड्राइविंग करते हैं, लुइस हैमिल्टन ड्राइवर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला हुआ है। भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो VVP राव को चुना गया है। संपूर्ण देश में कौन सा दिवस मनाया गया 22 दिसंबर को? राष्ट्रीय गणित दिवस। ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस। 23 दिसंबर 2018 को भारत ने परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो Agni-4 है आपका इसमें। अंतर्राष्ट्रीय महिला महोत्सव 2018 कहाँ संपन्न हुआ? कुरुक्षेत्र के
हरियाणा में संपन्न हुआ है आपका ये। और आपकी बात करते हैं तो 23 दिसंबर 2018 को भारत चीन की सेनाओं ने संयुक्त युद्धाभ्यास हैंड इन हैंड कहाँ संपन्न हुआ है, चीन के चेंदुगु में संपन्न हुआ है आपका। 24 दिसंबर आपको मालूम है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस होता है, इस वर्ष का जो थीम थी उपभोक्ता शिकायतों के संबंध में निपटारण से थी इसकी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा के किस दिग्गज नेता का निधन हो गया है, तो निरुपम सेन का हो गया, निरुपम सेन का हो गया है आपका निधन। मोहम्मद रफ़ी अवार्ड 2018 किसे सम्मानित किया गया, तो संगीतकार लक्ष्मीकांत कुदलकर और आपकी गायिकाएं उषा टिमोथी हैं आपकी, इसको मोहम्मद रफ़ी आपका अवार्ड दिया गया है सभी को। देखिए किस समाधि को सदैव अटल को नई दिल्ली में राष्ट्र को समर्पित किया, आपको मालूम है ये आपका 25 दिसंबर जो है अटल जी का जन्मदिन होता है इस दिन, इसको कहते हैं सुशासन दिवस कहते हैं 25 दिसंबर को। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि सदैव अटल को नई दिल्ली में राष्ट्र को समर्पित किया गया है। आपको सदैव अटल जो है आपकी ये समाधि है आपकी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल आयुष्मान योजना कहाँ शुरू की गई थी, उत्तराखंड में चालू की गई है। और 2018 जो आपके 25 सितंबर को कॉरपोरेशन बैंक का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो ये पीवी भारती को नियुक्त किया गया। 25 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का सबसे लंबा जो है बोगी बोगी बील पुल है उद्घाटन किया, असम के डिगबूर जिले में ब्रह्मपुत्र नदी पर किया है। ये देखिए बोगी बील पुल है, 4.9 किलोमीटर है का है। इसके देखिए नीचे क्या होगी, नीचे आपका चलेगी ट्रेन और ऊपर आपकी चलेगी सड़क, मतलब ऊपर आप चलाएंगे गाड़ी और नीचे आपकी ट्रेन चलाई जाएगी, इस प्रकार से इस पुल को बनाया गया है। 4.9 किलोमीटर का विश्व का दूसरा है ये आपका बड़ा पुल है ये आपका। 25 दिसंबर 2018 के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 94वें जन्मदिवस को किस रूप में मनाया जाता है, सुशासन दिवस, जैसा कि मैंने आपको बता चुके हैं, इसको आप लोग कन्फर्म याद कर लीजिएगा, गणित दिवस और आपका सुशासन दिवस इस महीने आपके पढ़ते हैं। वर्ल्ड के शीर्ष डिबेटर का खिताब किसने जीता है, आदि साई विजय करण ने जीता है, भारतीय हैं डिबेट करते हैं ये। किस देश ने इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन से अलग होने का फैसला किया है, जापान ने फैसला किया है। और 26 दिसंबर 2018 को बाजार आपूर्तिकरण के लिहाज से टाटा समूह को पछाड़कर देश का सबसे बड़ा कारोबारी समूह कौन बन गया है, HDFC ग्रुप आपका बन गया है ये। 26 दिसंबर की बात करते हैं 2018 को किस खिलाड़ी को ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम का अवार्ड मिला, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग को मिला हुआ है। 2018 तानसेन सम्मान किसे सम्मान किए गए, तो मंजू मेहता है सितार वादक हैं ये आप लोग याद कर लीजिएगा, मंजू मेहता को मिला हुआ है तानसेन सम्मान, ये सम्मान काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको आप लोग दो बार इसको पढ़िएगा, तानसेन सम्मान मंजू मेहता। मिसेज इंडिया 2018 खिताब किसने जीता है, मध्य प्रदेश की दिव्या पाटीदार को मिला हुआ है, नई दिल्ली में आयोजित हुआ था आपका ये। और बालकन एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया, लूका मोड्रिक को फिर मिला, क्रोशिया के मैंने आपको बताया था कि क्रोशिया के ये फ्रांस ने क्रोशिया को हरा करके फीफा वर्ल्ड कप जीता हुआ है। 27 दिसंबर 2018 को 6 वर्ष के अंतराल के बाद संयुक्त राष्ट्र अमीरात को किस देश के साथ राजनीतिक संबंध पुनः बहाल किए, सीरिया के साथ में UAE ने फिर से कर लिया है अपना संबंध स्थापित। इसके बाद 27 दिसंबर 2018 को लोकसभा में 3 तलाक ट्रिपल तलाक विधेयक पास हो गया है, ये आपके किस में पक्ष में वोट पड़े, 245 पक्ष में, विरोध में 11 वोट। अभी आपका जो है आपका सवर्णों के लिए 10% आरक्षण की बात होगी, उसका भी लोकसभा में पास हो चुका, केवल 3 वोट विपक्ष में पड़े हैं। 28 दिसंबर 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल 2022 तक 3 भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए गगनयान मिशन के लिए कितने करोड़ की मंजूरी दी है, तो 10,000 करोड़ है गगनयान मिशन है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, गगनयान मिशन 2022 तक 3 भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजने का प्लान है। अभी कुछ दिनों बाद देखिए आपका चंद्रयान मिशन 2 होने जा रहा है, उसको भी आप लोग याद करिएगा, लगातार उसकी डेटें आगे बढ़ाई जा रही हैं। भारत के मुख्य मुक्केबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है, तो CA कटप्पा किया गया, ये अब याद हो सकता है आपको, मुख्य आपको जो है मुख्य कोच हैं जो आपके मुक्केबाजी के CA कटप्पा हैं। 29 दिसंबर 2018 को देश के 25वां उच्च न्यायालय कहाँ हुआ है, अमरावती के आंध्र प्रदेश में हुआ है, आप सभी को मालूम है 25वां उच्च न्यायालय अमरावती आंध्र प्रदेश, क्योंकि देखिए दो राज्य का गठन हो चुका था, तो एक राज्य से अभी तक काम चल रहा था, अब 2 राज्यों में हो जाएगा, तो अलग अलग अपना काम करेंगे, तेलंगाना अलग आपका और आंध्र प्रदेश अपना अमरावती में बनाएगा, तेलंगाना मुझे लगता है हैदराबाद में शायद होगा।
19 दिसंबर 2018 को पद्मश्री से सम्मानित किस प्रोफेसर का निधन हो गया है? हामिद काश्मीरी का हो गया है। और 29 दिसंबर 2018 को अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कुरियर डिलीवरी फेडरेक्स एक्सप्रेस का अध्यक्ष चुना गया, राजेश सुब्रह्मण को चुना गया है। 30 दिसंबर 2018 को बिना किसी सहायता के अंटार्कटिका पार करने वाले प्रथम व्यक्ति अमेरिका के कॉलिन ओ ब्रडी हैं। तो बहुत बड़ी बात है, अंटार्कटिका इतना मतलब कि बर्फीला इलाका, वहाँ जाने से कोई नहीं जाता वहाँ पर, और इन्होंने बिना सहायता के वहाँ प्राप्त किए कॉलिन ओ ब्रडी ने। तो रिकॉर्ड ऐसे ही बनते हैं। 30 दिसंबर 2018 को 150 से अधिक विकेट में टेस्ट क्रिकेट जीत करने का विश्व का जो पांचवा देश बन गया, भारत हो गया है। 150 या इससे अधिक क्रिकेट टेस्ट जीत करने वाला विश्व का पांचवा देश भारत बन गया है। सभी मलखानों को डिजिटल करने वाले देश की पहली पुलिस कौन सी है? दिल्ली पुलिस है। और 30 दिसंबर की बात करते हैं हम लोग, आपका जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार के 3 द्वीपों का नाम चेंज कर दिया है, रॉस आइलैंड, नील आइलैंड और हैवलॉक आइलैंड का नाम हो गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप। जब देखिए, जब आपको जापान ने दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ये 2 द्वीप दिए हुए थे, अंडमान और निकोबार, तो उन्होंने इसका नाम रखा था स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप, इन 2 द्वीपों का नाम रख दिया था। अब देखिए वही काम फिर से कर दिया गया कि नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, रॉस आइलैंड को और नील आइलैंड को और हैवलॉक आइलैंड को नाम दे दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप। इसको आप लोग 2-3 बार पढ़िए और नाम को अच्छे से याद कर लीजिए इसको। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किस फिल्म मेकर का निधन हो गया है? तो मृणाल सेन का निधन हो गया है आपका। दीपिका कक्कड़ जो है आपके बिग बॉस 12 की विजेता हो गई हैं, और एस श्रीशांत जो आपके क्रिकेट के खिलाड़ी थे वो हार चुके हैं, और दीपिका कक्कड़ जीत चुकी हैं। बढ़िया आपको लोग के लिए न्यूज है, और इसको क्या करिए आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए, आपके 1 साल तक इससे क्वेश्चन बनने वाले हैं। बिग बॉस से पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि बिग बॉस 12 के विनर कौन होगा, तो ये आप लोग को बताना होगा इसमें। 31 दिसंबर 2018 को बांग्लादेश के आम चुनाव में किस पार्टी लगातार 3री बार बहुमत प्राप्त हुआ है? प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग और जो आपकी खालिदा जिया की जो पार्टी थी PTI, वो मतलब हार चुकी है और उन तो जेल में ही है, और इस बिल्कुल से विपक्ष बिल्कुल टूट चुका है, इसमें से काफ़ी कम वोट मिले हैं, लगभग 299 सीटों में, मुझे लग रहा है 286 सीटों में आपका शेख हसीना की जीत हुई है, और लगातार ये 3री बार PM बन रही हैं, और आपके बांग्लादेश की 4थी PM है ये आपकी, तो 4 बार ये आपकी प्रधानमंत्री रह चुकी हैं वहाँ की। तो ये आपके देखिए 31 दिसंबर तक मैंने टोटल क्वेश्चन आपके कंप्लीट करा दिए हैं। वीडियो लंबा ज़रूर था लेकिन आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, एक बार और आप लोग देख लेंगे तो मुझे लगता है दिसंबर के माह से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और वन लाइनर है, इसका मतलब फोकस है, मेन चीज़ जो आपका है टारगेट है यही है कि मेन चीज़ फोकस किया जाए, और इसको हमने अपने एक किताब से उठाया हुआ है, आप सभी को मालूम चल जाएगा कि किस किताब से उठाया, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको मालूम चल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो इसको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में कोई भी दिक्कत हो, अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको कुछ और लगता हो, क्योंकि किताब में मिसप्रिंट भी हो सकती है, तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कहिए। धन्यवाद।